बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और वैक्सीन आप लोगों ने यकीनन अब तक करवा ली होगी और अब तो बच्चे भी रेगुलर स्कूल जाना शुरू हो गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, खुशाइंद बात है। और उम्मीद है कि चीज़ें जो है वो अंडर कंट्रोल रहें और हम वैसी ही फ्रीली ज़िंदगी दोबारा से जी सकें। अपना अपने प्यारों का यकीनन ख्याल रख रहे होंगे, अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने बना रहे होंगे, जिसमें जायके का ख्याल तो रखते ही होंगे, लेकिन उसके साथ साथ अपनी सेहत को भी ज़रूर टॉप ऑफ द लिस्ट रखा करें। आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो है मसूर का पुलाव और साथ ही हम बनाने जा रहे हैं बोटी कबाब। तो बोटी कबाब जो बन रहे हैं वो चिकन के साथ बन रहे हैं। मसूर पुलाव, ये जो हमारी साबित मसूर की दाल है, इससे बिरयानी तैयार की जाती है, इससे पुलाव तैयार किया जाता है और इसके साथ साथ इससे जिस तरह हम शामी कबाब तैयार किए जाते हैं, तो सिर्फ दाल के साथ जो साबित मसूर की दाल है, इससे कोफ्ते और कबाब भी तैयार किए जाते हैं। तो कह सकते हैं ये उन दालों में से है जिससे बिरयानी और ये सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं। काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त सा इसका फ़्लेवर होता है और सिर्फ दाल नॉर्मली जो हम चावलों के साथ बनाते हैं वो भी तैयार की जाती है और खटाई ऐड करके, और बड़ी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी लगती है। तो चलें चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। अब बोटी कबाब और हम बनाने जा रहे हैं मसूर की दाल का पुलाव, जिसमें हमने राइस को भिगो के रख दिया है। मसूर की दाल को भी आप लाजमी भिगो दीजिएगा। कोई भी दाल बनाने जा रहे हों पहले उसको भिगो दें। भिगो देने के बाद हम इसको बॉईल करेंगे और अब मैं इसका दाना भी चेक कर लेती हूँ। ये इतनी बॉईल हो चुकी है कि अब हम इसको निकाल लें। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से हम ले लेते हैं एक अदद छन्नी और मैं इसका पानी जो है वो निकाल लेती हूँ, क्योंकि बहुत अगर गल जाएगी तो भी मज़ा नहीं आएगा और चावल भी खड़े खड़े रहने ही चाहिए लेकिन दाल भी खड़ी खड़ी रहनी चाहिए। तो मैं इसको स्ट्रेन कर लेती हूँ। ये आ गई हमारे पास उबली हुई दाल। इसके भी मैं आपको जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो नोट ज़रूर करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर बोटी कबाब की तरफ, ताकि हम इसको मैरिनेशन दे दें और थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद हमने इसको ओवन में बेक करना है। वैसे तो आप इसको पैन में भी बना सकते हैं, अगर ओवन नहीं है कोई मसला नहीं है, आप इसको पैन में बनाएं। तो हम क्या करते हैं, इसकी मैरिनेशन आपको बताते भी हैं और फर्स्ट ब्रेक में ही इसको करके रख लेते हैं, ताकि एटलीस्ट 10 से 15 मिनट तो हम इसको दें। चिकन की बोटियाँ ज़बरदस्त सी चटपटी सी हो जाएं, वैसे भी नेचुरली चिकन थोड़ी सी फीकी ही होती है। तो चलें, इसमें हमें चाहिए बोनलेस चिकन। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं कच्चा पपीता, नमक, दही, अदरक और लहसुन भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। इसमें मैरिनेशन में ही हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा ऑयल, काली मिर्च पिसी हुई, दालचीनी, कुटी लाल मिर्च, पेपरिका और हल्दी पाउडर। तो ये तमाम चीज़ें हमें चाहिए होंगी। एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं और तमाम अज्जा को हम यहाँ पर कर लेते हैं मिक्स। अब कच्चा पपीता है, थोड़ा सा आप टाइम देंगे तो ही ये चिकन को सॉफ्ट करेगा। कम से कम आप इसको ज़रूर रख लें 30 मिनट मिनिमम या फिर 2 घंटे। चलें, अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं कच्चा पपीता। मैं ज़्यादा भी इसलिए भी ऐड कर रही हूँ कि हम इसको बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं देंगे। तो हम 2 टेबल स्पून ऐड कर रहे हैं लेमन जूस। साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं भुना और कुटा सफ़ेद ज़ीरा, पेपरिका पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, अपने टेस्ट के मुताबिक आप शामिल कर दीजिए, 1 टेबल स्पून भर के हमने ये ऐड कर दिया, पिसी हुई काली मिर्च, दालचीनी का पाउडर 1 टीस्पून और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं हल्दी पाउडर, नमक, अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करें, थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे ऑयल। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर देती हूँ दही, आधा कप आपने ऐड कर देना है दही।
सवाल भी आज का करते हैं आप लोगों से, कुछ आसान सा, क्योंकि आज बहुत ही ज़बरदस्त सा एनेक्स का गिफ्ट है आप लोगों के लिए। और अगर आप हमारे सवाल का जवाब देते हैं कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, तो आप इसको विन कर पाएंगे। बहुत ही आसान सा तरीका है, कॉल तो आप कर ही सकते हैं, आप मैसेज भी कर सकते हैं मसाला DWT अपने शहर का नाम, और आप भेज देंगे उसे 8881 पे, तो फिर आप तैयार कर सकते हैं, तैयार नहीं कर सकते, आप विन कर सकते हैं गिफ्ट। अगर आप शुरू से हमारा शो बहुत गौर से सुन रहे हैं, तो जो मैं सवाल करने जा रही हूँ उसका जवाब मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुकी हूँ। साबित मसूर के साथ बनने वाली रेसिपीज़ के आप हमें नाम बताएंगे। एक तो दाल तो तैयार की ही जाती है, उसके अलावा कौन कौन सी रेसिपीज़ हम इसके साथ बना सकते हैं या बनाते हैं, ये हमारा आज का सवाल है। आज बनने जा रही है मसूर की दाल के साथ हम पुलाव बनाएंगे, तो जल्दी जल्दी आपने हमें इस सवाल का जो है वो जवाब देना है कॉल के ज़रिए और मैसेज के ज़रिए, और आप विन कर सकते हैं ज़बरदस्त सा गिफ्ट। जब भी इसकी बोटी बनाने जा रहे हो, आपने इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है कि बोटी इतनी चौड़ी और बड़ी ज़रूर हो कि आप इसको स्कीवर्स में या जो भी आपके पास स्टिक है उसमें आप इसको लगा सकें। तो चलें, ये मैं इसमें ऐड भी करती जाती हूँ। तकरीबन 1 इंच की ज़रूर होनी चाहिए, वरना आपको लगाने में प्रॉब्लम हो सकती है। और कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, एक तो चिकन है, बोनलेस है, बहुत ही जल्दी कुक होगी, और हम इसको एज इट इज़ सर्व करेंगे। वैसे अगर आप इसके सैंडविचेस बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं, और इसके अलावा आप बोटी का रोल तैयार कर सकते हैं पराठे के साथ। और अब बच्चे स्कूल जाना शुरू हो गए हैं, तो फिर तो ढेर सारे ऑप्शंस हैं कि अगर आप उनके लंच बॉक्सेस में ऐड करना चाहें। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, मैं इस चिकन को सिर्फ क्या कर रहे हैं, कटिंग करके इसमें ऐड कर रहे हैं, अच्छा सा मैं मिक्स करके रख लूँगी। वापस आएंगे तो हम पुलाव की तरफ ही आएंगे, और थोड़ा सा टाइम दे देंगे चिकन को मैरिनेशन के लिए। उसके बाद आपने अवन को भी प्रीहीट कर लेना है, और हम इसको सीखों पे लगा के इसको हम बेक कर लेंगे। और ये जो मसाला होगा इसको भी हमने ट्रे पे फैला लेना है ताकि ये कुक हो जाए, और फिर इसी मसाले के साथ हम इसको सर्व करेंगे। तो छोटा सा ब्रेक का टाइम है, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। आज हम तैयार कर रहे हैं बोटी कबाब, जिसके लिए हमने कुछ अज्जा ऐड किए, और चिकन में हम इसको तैयार कर रहे हैं। वैसे आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें मिर्च और मसालों की तादाद थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और इसके साथ साथ टाइमिंग यकीनन बढ़ जाएगी। अगर आप कच्चा पपीता यूज़ कर भी रहे हैं, कम अज़ कम 6 घंटे या ओवरनाइट आपको रखना होगा, तो फिर जाकर कहीं वो सॉफ्टनेस आएगी अगर हम बीफ की बात करें। लेकिन चिकन है, 2 घंटे भी काफ़ी होंगे, और हम तो इसको फौरन ही कुक कर लेंगे। इसमें हमने ऐड किया है कच्चा पपीता, नमक, दही, ऑयल, अदरक लहसुन का पेस्ट, भुना कुटा ज़ीरा, लेमन जूस, कुटी हुई लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर, और हमने इसमें शामिल कर दी पिसी हुई दालचीनी और पेपरिका। ये तमाम चीज़ें मिक्स करके हमने इसको एक तरफ रख दिया, और आपने मसूर की साबित दाल को भिगो देना है, भिगो के बॉईल करेंगे, जो कि गली हुई हो लेकिन उसका दाना टूटे नहीं, फटे नहीं, साबित ही रहना चाहिए। और तमाम दालें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन स्पेशली जो छिलकों के साथ दालें हैं उनका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, उससे हमें फ़ाइबर भी मिलता है। मोस्टली हम पॉलिश वाली बग़ैर स्किन की दालें ज़्यादा प्रीफर करते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ज़रूर तैयार करें तमाम दालें पॉलिश के अलावा स्किन के साथ भी आती हैं, चाहे वो मूंग हो, माश हो, और इसके साथ साथ मसूर है, तो ज़रूर इस्तेमाल करें। खिचड़ी में बहुत अच्छी लगती हैं, मिक्स दालें अगर तैयार करने जा रहे हैं तो भी बहुत मज़ेदार लगती हैं। चलें, अब हमने अज्जा भी आपको नोट करवाते चलते हैं। सुर्ख प्याज हमें चाहिए मसूर पुलाव बनाने के लिए,
दही है, थोड़ा सा हरा मसाला है जिसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़ीरा और वो हमारे रेगुलर से मसाले, नमक, लाल मिर्च और पिसा धनिया। और हम इसको तैयार करने जा रहे हैं टमाटर के साथ और हम इसमें दही भी ऐड करेंगे। तो आधा कप हमने इसमें शामिल कर दिया ऑयल। अगर आपके पास प्याज सुर्ख ना हो तो सबसे पहले तो आप प्याज सुर्ख करेंगे। मेरे पास क्योंकि सुर्ख है, मैं इसमें ऐड कर देती हूँ साबित गरम मसाला जिसमें हमारे पास है ज़ीरा, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। थोड़ा सा इसको कड़कड़ाने देते हैं, फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी सुर्ख प्याज, टमाटर और साथ ही ऐड करेंगे पिसे हुए मसाले। आज का सवाल दोहराते चले, मसूर की दाल, स्पेशली साबित मसूर, इसको काली मसूर भी कहते हैं, इसको मलका मसूर भी कहते हैं, काफ़ी सारे नाम हैं इस दाल के। तो इसके साथ कौन कौन सी रेसिपीज़ तैयार की जाती हैं वो आप हमें बताएंगे। दाल चावल के अलावा कुछ डिफरेंट सी अगर रेसिपीज़ आपके घर में बनती हैं ज़रूर शेयर करें और फिर आप जीत सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा आज एनेक्स का गिफ्ट है, वो तमाम लोग जो फ्रेश जूसेस पीना पसंद करते हैं, सर्दी हो गर्मी हो जूसेस लेने ही चाहिए, और उसके लिए अगर आप आज विन करते हैं तो फिर आपको बाहर से जूसेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको ख़ुद घर में निकाल कर और बिल्कुल फ्रेश फ्रेश जूस को इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए, खुशबू आनी शुरू हो गई है तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट, स्पून भी एक अदद बड़ा सा ले लेते हैं। थोड़ा सा इसको सौते करते हैं, इसका कच्चापन हल्का सा दूर हो जाए। और अगर आप मसूर की दाल का पुलाव बना रहे हो, अगर आपको लगता है कि दाल तो ज़्यादा जो है वो गल चुकी है और अब मज़ीद इसको गलाने की गुंजाइश नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, जब आप दम दे रहे हो चावलों को उससे एक दो मिनट पहले आप दाल को मिक्स करें और उसके बाद आप दम दे दें ताकि आप उसको और बहुत ज़्यादा कुक ना करें। टमाटर के साथ, मसालों के साथ आपको बिल्कुल भूनने की ज़रूरत नहीं है, दाल आपकी साबित रहनी चाहिए, बस आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। चलिए, अब हम इसमें शामिल कर देते हैं थोड़ा सा पानी ताकि जो हम मसाले ऐड करें वो पकना भी शुरू हो जाएं, और इसके साथ साथ टमाटर हैं उनको भी हमें थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। चलिए, इसमें शामिल कर देते हैं नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, साथ ही शामिल कर देंगे एक टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, और हमने इसको भून लेना है। बहुत ही सिंपल सा पुलाव है, जब कभी हमारा दिल चाह रहा हो गोश्त से हटकर दोपहर में क्या बनाया जाए, और दाल चावल भी बना लिए हैं तो फिर आप उससे कुछ हट के तैयार करें। इसकी बिरयानी भी बहुत मज़ेदार लगती है और इसका पुलाव भी बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। चलिए, थोड़ा सा इसको पकाते हैं, टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, दाल तो हमारी बिल्कुल ज़बरदस्ती गल चुकी है तो मैं इसको बिल्कुल लास्ट में ऐड करूँगी, मैं इसको बहुत ज़्यादा ऐड करके बनाऊँगी नहीं ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट ना हो। इसकी खूबसूरती इसी में ही है कि दाल गली भी हो और उसका दाना जो है वो बिल्कुल साबित हो, वरना उसकी शक्ल, उसकी अपीयरेंस जो है ना वो बहुत अच्छी नहीं रहेगी। और चावल तो यकीनन हम सभी लोग पसंद करते हैं कि बिल्कुल जिसको कहते हैं फरेरे से खिले खिले खड़े खड़े चावल। चले, थोड़ा सा स्पून की मदद से ही टमाटरों को सॉफ्ट कर लेते हैं। और अब मैं क्या करती हूँ कि ये जो हमारी चिकन है इसको पिरो भी लेते हैं। शाश्लिक स्टिक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास अगर सीखे हैं उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और अगर दोनों चीज़ें नहीं हैं तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप इसको बेक कर रहे हैं डायरेक्टली, आप इसको जो भी पैन है आपका अवन का उसमें आप इसको मसाले समेत ऐड कर दें और उसके बाद आप उसको बेक कर लीजिए, थोड़ा सा उलट पुलट लें, थोड़ी सी देर के बाद आप इसको टर्न कर दें। चले, मैं इसकी अब आँच कर रही हूँ बंद, और अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं दही। मिसेस इफ्तिखार हैं पेशावर से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी, मैं भी ठीक हूँ। और आपकी डिशेस मैं रोज ट्राई करती हूँ काफी ज्यादा, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती हैं। और आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूँ?
जरूर दे रहे। मसूर की दाल से काफी चीजें हम बनाते हैं और सब बच्चे शौक से हमारे खाते हैं ना। अच्छा, ये कुल्फे का साग हम मसूर की दाल में बनाते हैं, कीमा मसूर बनाते हैं, मसूर की दाल की खिचड़ी बनाते हैं, फिर क्रीमी कोकोनट मसूर की दाल बनाते हैं। अच्छा, और फिर ये मसूर की दाल मिक्स सारी दालों में मिक्स करके डालते हैं, फिर ये मसूर पुलाव भी बनाते हैं, मसूर की दाल के कबाब बड़े अच्छे बनते हैं, और चिकन मसूर बनाते हैं, मूंग मसूर भी बनाते हैं, पालक में भी डाल के मसूर की दाल बनाते हैं, और मटन के साथ भी बनाते हैं। ये सब आप वाकई बनाती हैं या सिर्फ कह रही हैं? नहीं, हम बनाते हैं, हम खाने के काफी शौकीन हैं सब। अच्छा। हम माशाल्लाह काफी चीजें ट्राई करते रहते हैं, और नीचे करते हैं चाइनीज डिशेज भी जो बनती हैं वो भी बना लेते हैं, और ज्यादातर बस अपनी पाकिस्तानी डिशेज जो होती हैं ना वो बनाते हैं। चलें, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? जी, फरमाइश, आजकल सर्दी आ रही है तो बस आपसे हलवों की फरमाइश करूंगी कि अच्छे अच्छे हलवे जरा मैं रेसिपी के साथ बताएं। चलें, थोड़ी सी और सर्दी आने दें, उसके बाद इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे ढेर सारे हलवे। और आपने इतनी डिटेल से हमें जवाब दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम यकीनन कुरानदाज़ी में शामिल किया जा चुका है, और वो तमाम लोग जो अब तक सिर्फ सोच रहे हैं, जल्दी जल्दी फ़ोन उठाइए, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाज़ी में शामिल हो सके। तो आपने आज हमें सवाल का जवाब देना है, जो बहुत ही आसान सा है, साबित मसूर की दाल से क्या क्या रेसिपीज़ तैयार की जा सकती हैं। दाल तो बनती ही है, थोड़ी सी पतली जिसको हम चावल के साथ सर्व करते हैं, लेकिन उसके अलावा और क्या तैयार किया जा सकता है या बनाया जाता है, ये हमारा आज का सवाल है जिसका आप हमें जवाब देंगे। और यहाँ पर मैं मसाला भून रही हूँ, थोड़ा सा और ऑयल सेपरेट होना शुरू होता है, तो हमने क्या करना है, क्योंकि ये पुलाव है, सिंपली हम इसमें पानी ऐड करेंगे, मैं इसमें चावल शामिल कर दूंगी, और क्योंकि दाल हमारी बहुत अच्छी सी गल चुकी है तो उसको भी जब चावल हाफ डन हो जाएंगे तो मैं उसमें दाल ऐड कर दूंगी, और फिर हम इसमें हरा मसाला शामिल करके इसको लगा देंगे दम। नमक और मिर्च आप चेक कर लीजिएगा, जब आप इसमें राइस और पानी शामिल कर देंगी तो नमक और मिर्च एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लें, खिलता हुआ होना चाहिए, क्योंकि दाल भी जाएगी और दाल के हिसाब से, चावल के हिसाब से नमक मिर्च ठीक होना चाहिए। ब्रेक का टाइम है, इसको थोड़ा सा और भून लेते हैं, और जो हमारी चिकन है इसको भी मैं सीखों पे लगा लेती हूँ, फिर आपके सामने ही उसको हम ओवन में बेक होने के लिए रखेंगे। तो आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। पानी उबलना शुरू हो गया था और मैंने उसमें ऐड कर दिए भीगे हुए राइस, नमक भी मैंने चेक कर लिया है, बिल्कुल ठीक है। अगर ठीक ना हो आप इस वक्त उसको नमक को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जो चिकन की बोटी है वो लगा ली है, तो मैं इसको ओवन में रख लेती हूँ बेक होने के लिए। और जो इसका मसाला है उसके दो ऑप्शन हैं, एक तो ये कि आप उसको ओवन में ही ट्रे पे फैला लें और बेक कर लें, जिसमें मे बी के वो जल भी जाए, हम ज़ाहिर है बोटी को अच्छा सा सेकेंगे तो बाज़ वक्त ऐसा होता है कि मसाला जल भी जाता है, तो क्यों ना हम इसको फ्राइंग पैन में कर लें और फिर एज अ डिप हम इस बोटी के साथ उसको सर्व कर दें। तो मैं इसको ओवन में रख लेती हूँ बेक होने के लिए। एक दफ़ा इन सीखों को टर्न ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि वैसे तो वो टच नहीं हो रही हैं पैन से, तो अच्छा एक दफ़ा टर्न कर लें ताकि गल भी जाएं और ज़बरदस्ती गोल्डन भी हो जाएं, एक तो सुर्ख कलर होता है वो भी उस पर आ जाए। तो चलें, यहाँ पर चावल कुक हो रहे हैं, और जैसे ही ये हाफ डन हो जाते हैं उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये उबली हुई भीगी हुई काली मसूर की दाल, जिसको मलका मसूर भी कहते हैं, साबित मसूर भी कहते हैं, और काली मसूर भी कहा जाता है, छिलकों वाली मसूर की दाल भी कहा जाता है। तो आपने हमें ये बताना है कि इस दाल के साथ कौन कौन सी रेसिपीज़ हैं जो तैयार की जाती हैं या की जा सकती हैं, काफ़ी वेरिएशंस हैं।
और मसूर की दाल से काफ़ी रेसिपीज़ तैयार की जाती हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं मसूर की दाल का पुलाव, तो आप हमें ज़रूर बताइए आपकी फ़ैमिली में मसूर की, साबित मसूर की दाल से कौन सी रेसिपीज़ तैयार की जाती हैं। और अगर आप इस सवाल का हमें जवाब देंगे तो फिर आप विन कर सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा एनेक्स का गिफ्ट। तो मैं तब तक क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा ये हमारे पास हरा मसाला है, कुछ पुदीने के पत्ते हैं, धनिया के पत्ते ले लेते हैं और हमने इनको तोड़ लेना है हल्का सा। तोड़ लीजिए, थोड़ा सा क्रश कर लीजिए ये कुछ धनिए और पुदीने के पत्ते, और साथ ही हमने इसमें ऐड कर दी हरी मिर्च। जब मैं इसमें दाल शामिल कर दूंगी तो ये तमाम चीज़ें भी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा स्टर करते चलते, हमेशा फैले हुए बर्तन में ही बनाएं चावलों को, और ताकि चावल आपके बहुत आराम से पकें, उनके पास स्पेस हो पकने के लिए। छोटा सा बर्तन होगा चावल अच्छे नहीं बनेंगे, स्पेस होना चाहिए। फातिमा हैं पेशावर से, फातिमा से बात करेंगे। सायमा हैं, सायमा से बात करेंगे। हेलो सायमा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। आपदा जी, मेरा नाम सायमा है, फातिमा नहीं है। ओके, सायमा हैं, कैसी हैं सायमा जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से आपके सामने हैं, क्या कहेंगे? आप इतनी अच्छी चीज़ें बनाती हैं और आज तो मसूर की दाल का पुलाव भी बना रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम इसी तरह चीज़ें बनाते रहते हैं, मसूर की दाल का पुलाव हो गया, बिरयानी हो गई, मसूर की दाल में हम गोश्त डालते हैं, मसूर की दाल में कीमे को मिक्स करके कोफ्ते बनाते हैं छोटे छोटे, बहुत अच्छे लगते हैं। और मसूर की दाल के साथ सफ़ेद चावल बनाते हैं, उसके साथ मीठे चावल बना लेते हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, खाने में लजीज होते हैं। मसूर की दाल के साथ मीठे चावल? जी जी, मसूर के मीठे चावल बना के ना, और मसूर की दाल बना के फिर उसके ऊपर डाल के फिर हम खाते, जैसे सफ़ेद चावल बनाते हैं ना, उसके ऊपर दाल डाल के, इसी तरह मीठे चावल हम जर्दा जो होता है तो वो उसके बना के उसके ऊपर डालते हैं, वो बहुत लजीज होते हैं। अच्छा, यानी कि नमकीन चावल, ओ सॉरी, मीठे चावल और नमकीन दाल। जी जी, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं ये, बहुत अच्छा लगता है। चले जी, ठीक है, और क्या कहना चाहेंगी? बस आप इतनी अच्छी चीज़ें बनाती हैं, हम तो साथ साथ ट्राई भी करते रहते हैं। और दूसरा ये कि आप जब भी आती हैं तो यकीन माने मैं आपको देखती हूँ, मेरा दिल बहुत खुश होता है। और मैं कहती हूँ आपको सबको, आपके पूरे चैनल वालों का अल्लाह से हते कामला अजरा अता करे, ज़िंदगी दे और किसी का मोहताज ना करे। आमीन, बहुत अच्छी दुआ करती हैं आप, ऐसे ही दुआओं में याद रखा करें। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की, आपका नाम जो है वो शामिल किया जा चुका है कुरानदाजी में। यहाँ पर अब क्योंकि हाफ डन हो गए हैं, राइस तो ऐड कर देते हैं। ये हमारी उबली हुई मसूर की दाल, और मैंने हमेशा, मैं जब ट्रेनिंग करती थी तो मैं देखती थी फ्राइडे वाले दिन वहाँ हमेशा तैयार किया जाता था ज़रदा और बिरयानी, और मोस्टली लोग उसको मिक्स करके खा रहे होते थे। लेकिन आज तक मैं सिर्फ कोशिश ही कर रही हूँ कि मैं उसको मिक्स करके खा के देखूँ, लेकिन यकीनन जिनका टेस्ट डेवलप हुआ हुआ होता है उनको वो चीज़ अच्छी लगती है। तो शायद ये एक और कॉम्बिनेशन है कि मीठे चावल और उसके साथ ये नमकीन दाल, यकीनन आपको अच्छी लगती होगी और बहुत से लोग इसको इंजॉय करते होंगे। चलें ज़रूर बनाएं जनाब। और यहाँ पर अब हम ऐड कर रहे हैं हरी मिर्चें, और साथ ही हमने थोड़ा सा धनिया और पुदीना, सुर्ख प्याज भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। और मैं इसको कर देती हूँ कवर, इसको लगा देते हैं दम। ब्रेक का, अब बहुत ही छोटा सा ब्रेक का हमारे पास टाइम है, मैं इसके नीचे तवा भी रख देती हूँ, आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। थोड़ा सा चिकन को चेक करते चलें, हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका जो हमारा एक सॉस सा था जिसमें हमने इसको मैरिनेशन दी थी, उसको भी कुक कर लेते हैं। और फिर आपकी पसंद पर है, या तो छोटे से रेमेकिन में इसको सर्व कर दें बोटी कबाब के साथ, या फिर बोटी कबाब पे ड्रेजल कर दें, ब्रश कर दें, जैसे आपको अच्छा लगे। लेकिन बहुत काम के ये तमाम मसाले हैं, इससे आपका जो बोटी कबाब का फ्लेवर है और भी ज़बरदस्त सा हो जाएगा। और फिर आप इसको सर्व कर दें प्याज के लच्छों के साथ, या जो हमारी
पाकिस्तानी सैलेड का चूमर है उसके साथ कर सकते हैं, या फिर तमाम चीज़ों को स्लाइस करें जैसे आपको और आपकी फैमिली को पसंद है वैसे आप कर सकते हैं। और वैसे ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है कि आप बोटी कबाब बनाएं, मसूर की दाल का पुलाव बनाएं और फिर आप सैलेड तैयार कर लें। तो चलिए इसको थोड़ा सा कुक कर लेते हैं ताकि इसका जो कच्चापन है वो हमें दूर करना है। तो हम इसको थोड़ा सा पका लेते हैं। यहाँ पर मैंने चेक किया है कुछ मिनट्स और हैं ताकि वो हम जो चावल हैं उसको हमने दम दिया है 5 से 10 मिनट। पता कैसे चलता है, चावल भी टर्न हो जाते हैं अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो ये इंडिकेशन है कि चावल जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और फिर आप इसके बाद इसको निकालें और सर्व कर दें। अक्सर हम चावलों को बॉईल करते हैं बिरयानी के लिए या किसी भी दाल चावल बनाने के लिए और हमें लगता है कि ज़रा सी नज़र इधर से उधर हुई और चावल ज़्यादा बॉयल हो गए। तो उसकी एक बहुत ही अच्छी रेमेडी ये है कि अखबार न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा पानी को एब्ज़ॉर्ब करता है। अगर आप बहुत ही एक थिन लेयर उन थोड़े से ज़्यादा अगर पके हुए उसकी आप अपने काउंटर पे उस अखबार को फैला लें और उसके ऊपर वो आपने वाइट राइस बहुत ही थिन लेयर से फैला दें तो आप नोटिस करेंगे कि काफ़ी ज़्यादा जो पानी है वो न्यूज़पेपर में एब्ज़ॉर्ब हो चुका है और न्यूज़पेपर काफ़ी बिल्कुल गीला हो जाएगा और आपके जो राइस हैं वो काफ़ी खिले खिले और खड़े खड़े हो जाएंगे। तो अगर कभी ऐसा हो जाता है, कभी ध्यान हट जाता है। सनम हैं आज़ाद कश्मीर से, सनम से बात करेंगे। हेलो सनम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? सब ठीक हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सनम, आप ठीक हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। कश्मीर का मौसम कैसा है? बहुत ठंड हो गई है। बहुत ठंड हो गई है? अच्छा, बारिश रही है कल रात को भी, उससे पहले भी रात में बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो जिसकी वजह से इतनी ठंड हो गई है कि बिल्कुल ही, मैं तो कह रही थी कि होना चाहिए एक मोटा कंबल टाइप पूरा वो लपेट के अंदर बाहर बस घूमते रहे। चलें, आपकी बातें सुन सुन के ना मुझे भी ठंड सी फील हो रही है। अच्छा, और आपकी रेसिपीज भी माशाल्लाह से बहुत इजी भी हैं और आसान भी हैं और इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगी? अच्छा, आप मसूर की दाल के कबाब भी बनाते हैं, हम उसके पकौड़े भी बनते हैं। अच्छा अच्छा, इंडिया में उससे डोसा बनाया जाता है। ठीक है, और बस बाकी तड़के वाली मसूर दाल होती है और ये पुलाव चने की दाल डाल के पुलाव काफी बार मैंने बनाया है। तो देखते हैं अब ये मसूर की दाल का कैसा बनता है। चलें, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। कश्मीर में जब इस तरह बहुत सर्दी पड़ने लगे तो फिर खानों में, फूड में क्या चेंजिंग आती है, क्या चीज़ें बनाना शुरू कर देते हैं? कश्मीरी चाय तो बनती ही होगी, उसके अलावा और क्या चेंजिंग आती है? हम लोग ज़्यादातर सूप वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सब्जियों का हो, चाहे अच्छा हो, किसी जानवर का हो या चिकन का हो, कुछ भी। और उसके साथ हलवे का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। अच्छा, कौन सा हलवा ज़्यादातर बनाते हैं? सूजी का हलवा? सूजी का, गाजर का ज़्यादा पसंद किया जाता है। ओके, चलें, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और यहाँ पर मसूर का जो पुलाव है ऑलमोस्ट डन है, कुछ ही मिनट्स हैं हम है, इसकी भी बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर से कॉलर हमारे साथ थी। अगर अब तक आप सिर्फ सोच रहे हैं, जल्दी से कॉल मिलाइए और आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। वो तमाम लोग जो कहते हैं हम इतनी कॉल्स मिलाते हैं और कॉल नहीं मिलती, आप हमें मैसेज कीजिए, मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। मैं दोनों रेसिपीज़ को डिश आउट करती हूँ। अब जो हमारा ब्रेक है, रिकैप ब्रेक होगा, कुछ भी आपसे मिस हो गया है उसको नोट डाउन कर लीजिए, एक अदद क्लिक ले लें, आराम से सुकून से बैठ के उस अपनी डायरी को मेंटेन कर लें और वापस आते हैं। मैं थोड़ा सा जो हमारी सीखें हैं उसको भी उलट पुलट लेते हैं, उसकी ग्रेवी सॉस जो है उसको भी हम रेडी कर चुके हैं। तो ब्रेक ले लेते हैं, जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।
बोटी कबाब, अच्छा चिकन बोनलेस क्यूब्स आधा किलो, पिसा कच्चा पपीता दो खाने के चमचे, नमक एक चाय का चमचा, दही आधा कप, अदरक लहसुन एक खाने का चमचा, भुना और कुटा जीरा एक खाने का चमचा, नींबू का रस एक खाने का चमचा, तेल एक चौथाई कप, काली मिर्च एक चाय का चमचा, पिसी दालचीनी एक चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च एक चाय का चमचा, पेपरिका एक चाय का चमचा, हल्दी एक चौथाई चाय का चमचा। तरकीब, चिकन बोनलेस क्यूब्स पर पिसा कच्चा पपीता, कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च, पेपरिका, पिसी दालचीनी, हल्दी, जीरा, नमक, दही, तेल, नींबू का रस और अदरक लहसुन लगाकर चंद घंटे के लिए छोड़ दें। फिर इसे सीखों पर लगाकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 मिनट बेक कर लें। अब इसे कोयले का दम देकर प्याज के लच्छों के साथ सर्व करें। मसूर पुलाव, अज्जा बासमती चावल 1.5 कप, साबित मसूर दाल 1 कप, कटे टमाटर 2 अदद, प्याज स्लाइस 1 अदद, नमक हसबे ज़रूरत, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, दही आधा कप, धनिया के पत्ते आधी गट्ठी, हरी मिर्च 4 अदद, पुदीने के पत्ते 2 खाने के चमचे, घी या तेल 6 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, जीरा आधा चाय का चमचा। तरकीब, साबित मसूर की दाल उबाल कर पानी निचोड़ लें, फिर इसमें नमक मिक्स कर दें। अब चावल धोकर 15 मिनट के लिए भिगो दें। उसके बाद कढ़ाई में तेल गर्म करके प्याज को सुनहरा ब्राउन फ्राई करें, फिर जीरा अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, गर्म मसाला, पिसी लाल मिर्च, हरी मिर्च, दही, नमक और पिसा धनिया डालकर 3 से 4 मिनट पकाएं। फिर मसूर की दाल शामिल करके भून लें। अब चावल और पानी डालकर ढकें और 6 से 7 मिनट के लिए पकाएं। फिर धनिया और पुदीने के पत्ते डाल के सर्व। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी रीकैप ब्रेक के बाद। उम्मीद करते हैं तमाम आपने रेसिपीज को बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। कुछ भी रह गया है अगर अब भी, तो हमारा शो रिपीट होता है रात में, वहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो पेज है उस पर रेसिपीज़ को अपलोड किया जाता है डेली बेसिस पर, वहाँ पर भी आप इसको चेक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यूट्यूब पर भी शो को अपलोड कर दिया जाता है विद इन वीक। तो ढेर सारे ऑप्शंस हैं अब तो, सोशल मीडिया की वजह से कोई टेंशन ही नहीं है। कोई भी चीज़ अगर आपसे रह गई है आप उसको बहुत आराम से नोट डाउन कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। चलें और साथ ही अब ओवन से मैं निकाल लेती हूँ जो हमारे बोटी कबाब बहुत अच्छे से बेक हो गए हैं, कलर भी बड़ा खूबसूरत सा उस पर आ गया है और इसके साथ साथ उसका जो सॉस है वो भी हमने रेडी कर लिया है। चलें, चलें जी, खासी गरम हो रही है, मैं इसको एज इट इज़ ही सर्व कर देती हूँ। चलें फोक की मदद से निकाल लेते हैं, फिर हम चलें एज इट इज़ कर देते हैं ताकि वो खूबसूरती भी आ जाए इस पे। दो हम रख लेते हैं इस प्लेटर पे, लकड़ी के स्कीवर्स के साथ सर्व करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है कि अगर बेक भी उसी में करें ताकि निकालते वक्त उसकी अपीयरेंस भी ख़राब ना हो। और इसके ऊपर ऐड कर देते हैं थोड़ा सा ये सॉस। जिसको आप चटनी कह लें इसके साथ लगा के आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। पराठा अगर तैयार कर लें बहुत अच्छा लगेगा बोटी कबाब के साथ। चलें लेकर चलते हैं इसको अपने टेबल की तरफ। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हमने इसकी ग्रेवी के साथ भी इसको सर्व कर दिया और हमने इसको सैलेड के साथ भी सर्व कर दिया। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे सर्व करें, पराठे के साथ, या फिर अगर आप इसको मसूर पुलाव के साथ सर्व करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अनाउंस करते चलें कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। मुर्ग मसाला, हरी मिर्चों का सालन और इसके साथ ही बनेगा बारबेक्यू पिज्ज़ा। तो बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। महनाज हैं रावलपिंडी से जिन्होंने आज विन किया है, तो महनाज आपको बहुत बहुत मुबारक हो।
और आज का बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हमारा जूसर था जो आपने विन किया है, तो ज़रूर जब आप तक पहुँचे आप ज़रूर इसको इस्तेमाल कीजिएगा, इन्जॉय करें, फ़्रेश फ़्रेश जूसेस पिएं। आज के लिए बस इतना ही, अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो कल आप लोगों से मिलते हैं कुछ मज़ेदार से ज़बरदस्त से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।